Dear students, my name is Sayyid Ahmed Abbas. I am a lecturer of mathematics. I am a principal of BASE Girls Campus. Now, in previous lectures, we were discussing chapter 4, book 1, and we have completed exercise 4.4 of chapter 4. But two questions were remaining, so we are starting from two remaining questions. Question is, if omega is a root of this equation, show that its other root is omega square, and prove omega cube is equal to 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में सवाल ये है, उसने दिया ये है कि ये देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाजमी इसके दो रूट होंगे। उसने ये कहा है कि इसमें से एक रूट तो ओमेगा है, शो ये करना है क्या इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ओमेगा क्यूब क्या 1 के इक्वल होता है। अब इसके तहत हम ये चल रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ओमेगा रूट था, जो उसने कहा है कि ये इसका रूट है, ये मैंने इस इक्वेशन में प्लेट पुट कर दिया। ये इक्वेशन थी, इसमें एक्स की जगह मैंने ओमेगा प्लेस किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बन गई, यानी इसको इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर किया, और ये ट्रू इस लिहाज से है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये बात सही। अब मैंने क्या, अब मुझे इसको शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर इज अ रूट, तो इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर मैंने एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर प्लेस किया, ओमेगा स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये इक्वेशन बन गई ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लेस की वैल्यू, तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोबारा यही सिचुएशन प्रोड्यूस हो गई है, इसका मतलब ये ट्रू हो गई, इसका मतलब ये दूसरा रूट इसका ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हुए, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अब इसने जो एक्स्ट्रा बात पूछी गई है, अगर वो एक्स्ट्रा बात ना पूछे तो आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट है कि इसके दो रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो प्रूव करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया कि वही मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ओमेगा, ये जो इक्वेशन 1 थी इसको मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एज वी नो इसको तो हम प्रूव कर रहे हैं बार बार कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहां से वैल्यू मैंने फाइंड की है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू मैंने यहां प्लेस कर दी, तो ओमेगा क्यूब प्लस इंटू माइनस 1, नेगेटिव 1 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बात भी इसमें प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा रिमेनिंग है, इसमें 4 पार्ट्स हैं जिनमें से मैंने 3 पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं, एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, जो पार्ट मैंने छोड़ा है वो पार्ट नंबर 2 की तरह है, वो आप उसी तरह से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो फैक्टराइज का सबसे पहला जो मेथड होता है, जो आपने बेसिकली 9th में भी पढ़ा है, तो उसमें है टेकिंग कॉमन। तो देखें आप इसमें सबसे पहले कॉमन आपका निकल रहा है, 2 हमारा कॉमन आ गया, 2 को जब बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो यहां पर 0 के साथ डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, बाकी हमारे पास ये फॉर्म रह गई। अब इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और नेगेटिव 4 का स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये फॉर्म बन गई। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी तो इसकी फैक्टराइज हो गई ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए मींस एक्स स्क्वायर। अब ये दो पार्ट इक्वल टू 0 हैं, दोनों को इक्वल टू 0 लिया, ये प्लस 4 इधर आके माइनस हो गया, माइनस का रूट सॉल्व आपको नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, हमें पता है कि नेगेटिव 1 जो है वो आयोटा स्क्वायर, तो यहां मैंने ये वैल्यू पुट कर दी आयोटा स्क्वायर नेगेटिव की जगह। अब दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो इसका आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट 2 आ गया आयोटा स्क्वायर का आयोटा। इसके बाद ये जो पार्ट था इसमें से नेगेटिव 4 को इधर शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद जब रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, तो सोल्यूशन सेट आपके प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2। अब इसमें से आप प्लस माइनस 2 को पहले लिख दें, ये प्लस माइनस 2 आयोटा को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं, तो जो भी आप अरेंजमेंट इसका कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें यहां जो मैंने कॉमन लिया था वो 2 कॉन्स्टेंट लिया था, इसलिए वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें सबसे पहले जब आप टेकिंग कॉमन में आते हैं तो 3 भी कॉमन आया और 5 भी कॉमन आया, तो रिमेनिंग पार्ट ये, अब 3y को जब 0 के इक्वल कंसीडर किया तो 3 पे डिवाइड किया तो y = 0, अब जब y = 0 आया तो ये भी एक सॉल्यूशन सेट
इसका कहलाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है। अब यहां से मैंने वाई स्केयर का स्केयर और 81 को 9 का स्केयर लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी फैक्टराइज आगे दोनों को इंडिविजुअल जीरो के इक्वल लिया, फिर इसके बाद नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, यहां नेगेटिव की जगह आयोटा स्केयर प्लेस किया, दोनों तरफ रूट लिया, तो ये आंसर्स आ गए प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 आयोटा। ये हमारे सॉल्यूशन सेट है और इनमें एक सॉल्यूशन सेट ये हमारा है जो ये भी हमने निकाला था, तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन सेट में शामिल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल इक्वल टू जीरो। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें देखें फैक्टराइज का एक और मेथड होता है कि अगर जो पार्ट गिवन है उनमें कॉमन कोई निकल रहा है तो ठीक है, अब ये देखें कि ये चार पार्ट हैं, चारों में कोई कॉमन नहीं है तो फिर हम पेयरिंग करते हैं, तो इसमें भी इसी तरह पेयर कर दिया, यहां से पेयर बनाया, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस वन ले लिया। और इसके लिए रूल ये होता है जब पेयरिंग करते हैं तो ये वाला पार्ट आपका दोनों का सेम आना चाहिए, दोनों पार्ट अगर ये सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आपकी पेयरिंग गलत है, तो एक्स प्लस वन अगेन कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये फैक्टराइज इसकी हो गई। अब मजीद इसकी फैक्टराइज नहीं है, दोनों पार्ट को आपने इक्वल टू जीरो लिया, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब स्क्वायर का रूट लेना है तो नेगेटिव का रूट सॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव वन की जगह आयोटा स्क्वायर, अब जब रूट लेंगे तो ये तो माइनस वन ही रहा और ये प्लस माइनस आयोटा, इस तरह से हमारे सॉल्यूशन सेट बने नेगेटिव वन एंड प्लस माइनस आयोटा। अच्छा बच्चों, जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में अभी जो हमने 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, अब हम नई एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, ये है चैप्टर 4 ही चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 4.5। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हम किसे कहते हैं, जैसे फंक्शंस वगैरह के ज़्यादा डिटेल जो है ये भी आप जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल है, स्टार्टिंग जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं वो फंक्शन से रिलेटेड। अब फंक्शन है क्या ये पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार, किसी चीज़ को दिखाना लिखा हुआ अंदाज में, तो ये इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखी है ए एन एक्स एस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एस टू पावर, मतलब ये कि जितनी ये हाईएस्ट पावर एक्स की है वेरिएबल की, आगे उसके बदतरीज स्टेप वाइज एक कम होती जा रही है, आगे चलते चलते ये ए टू यानी एन की वैल्यू अगर टू हो जाएगी तो ए टू यहाँ टू आ गई, फिर उसके बाद एन माइनस वन ए वन एक्स और प्लस ए नॉट, ये एक फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन दी हुई है और जिसमें ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये ए एन ए जीरो हो गई तो फिर उसके बाद वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, तो ये एक्सप्रेशन में ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इस पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, इस फॉर्म में अगर कोई चीज शो हो रही है और ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें वेरिएबल कौन है एक्स जो है वो एज ए वेरिएबल है। अब यही पॉलिनोमियल वाई के लिहाज से भी हो सकती है, अगर यहां पर यह सारी पावर वाई की होगी तो यही पॉलिनोमियल कहलाएगी वेरिएबल वाई, जेड है या जी है तो ये वेरिएबल जेड या जी कहलाएगा ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होगी, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कराएगी, यहां पर हाईएस्ट एन है। उसके बाद वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एन क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, एंड कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट थे हमारे पास ए नॉट से शुरू हो रहे हैं और ये कहां तक जा रहे हैं ए एन तक जा रहे हैं, आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यूज इनमें से फ्रिक्शन में भी हो सकती है। ये अब इनसे इस पॉलिनोमियल से क्या बेसिकली जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये कुछ थोड़ा सा इसकी डिस्कशन है, इसमें पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है ए एन इज लीडिंग, यानी ए एन जो है ये लीड कर रहा है, कोफिशिएंट ए नॉट इज नॉन जीरो, ए नॉट जो है ये नॉन जीरो है और ए एन जो है ये लीडिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें लीडिंग इस लिहाज से कर रहा है कि यह हाइएस्ट ये एक्स की पावर एन के साथ है तो इसे ये लीड कर रहा है, ये लीड का मतलब सबसे आगे होगा, क्यों आगे होगा। नंबर टू, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री क्या कहलाएगी जो हाईएस्ट पावर, यानी जो भी आपके पास पॉलिनोमियल लिखी है उसमें डिग्री वो होगी जो हाईएस्ट, अब देखें ये वेरिएबल एक्स है सबसे हाईएस्ट पावर जो है ये एन है, तो लिहाज से इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो एन कहलाएगी, तो पावर ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी हो सकती है डिग्री, वजह यह डिपेंड करता है कि जैसी इस एक्सप्रेशन के तहत तो एक्स की पावर एन है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है यानी उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर तक है तो डिग्री टू हो जाएगी, जिसकी क्यू थ्री तक है हाईएस्ट पावर वो क्यूब होगी, तो यही बात लिखी कि कॉन्स्टेंट भी हो सकती है कि जिसमें कोई पावर अगर जीरो है तो वो कॉन्स्टेंट में आ जाएगी। इसके बाद थ्री, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इज जीरो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ली गई थ्री है, थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री एक्स की पावर जीरो, वेरिएबल शो कर दिया मैंने, किसी की पावर जीरो वन होती है तो इसका मतलब देखें यहाँ ये पावर जीरो बनी तो ये हमारे पास यानी एक्स की पावर जीरो है तो इसकी जो डिग्री होगी वो ये जीरो कहलाएगी।
ये समझाने के लिए। अब इसके बाद इसकी कई किस्में आ गई, मोनो मिनल इसमें वन टर्म कहलाएगी, बाई नोमियल इसमें टू टर्म्स होंगी, ट्राई नोमियल इसमें थ्री टर्म्स होंगी। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है, कोई एक टर्म दे दी गई है और उसके मुताबिक आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप में आएगी। यहाँ टर्म से मुराद ये है कि जिस तरह अगर मैं कहता हूँ ये ट्राई है तो ये इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, जिस तरह एक कोई इक्वेशन ये लिखी है। अब इसमें देखें कितनी टर्म्स हैं, थ्री मौजूद हैं, तो इस लिहाज से ये ट्राई में चली जाएगी। वेन वी डिवाइड, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट वो ये है कि इसमें जब हम आ रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें आगे हमारी डिस्कस होगी। व्हेन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर, अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, हम डिवाइड करते हैं एक को दूसरे पर, इट मे डिवाइड एग्जैक्टली, ऐसा भी हो सकता है किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं पूरा डिवाइड हो गया। जब कंप्लीट डिवीजन हो जाती है तो हम उसमें नॉर्मली ये कहते हैं कि रिमाइंडर जीरो आया, और देयर मे बी आर रिमाइंडर, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिमाइंडर आ जाए। किस तरीके से यह एक्सप्रेशन बनता किस तरह है, यह उसका रूल है। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिवाइजर इनटू क्वोशन्ट प्लस रिमाइंडर। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिया, मेरे पास डिविडेंड है 49, ये 49 जो है ये मेरे पास डिविडेंड है। डिवाइजर मेरे पास 4 है, 4 को मैंने डिवाइड किया तो ये 12 टाइम इस पर डिवाइड हो रहा है, और ये देखें 1 जो है ये रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको एक्सप्रेशन में ये फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यू लिख दें। डिविडेंड मेरे पास क्या है 49, डिवाइजर मेरे पास क्या है 4, क्वेश्चन कितना आया 12, और रिमाइंडर कितना आया प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 × 12 = 48 प्लस 1 = 49। अब अगर यहां पर कोई वैल्यू 48 होती तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाती, रिमाइंडर जीरो, तो फिर यहां रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता। नॉर्मली हम उसे जीरो लिख देते हैं या क्रॉस डाल देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर रिमाइंडर जो है वो नहीं, रिमाइंडर जहां पर जीरो आता है वो हमेशा उसका रूट होता है। यानी अगर कहीं सॉल्यूशन पे हम आ रहे हैं, रूट्स पे आ रहे हैं, तो जहां पर रिमाइंडर जीरो आएगा इसका मतलब है वो उस इक्वेशन का रूट होगा, और जहां रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा वो रूट नहीं होगा। या नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में ऐसा पॉइंट भी हमारा डिस्कस आएगा, तो यहां सिर्फ एक पॉइंट आ गया था तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया। जैसा कि बच्चों को अभी पॉलिनोमियल फंक्शन से हम आगे चले हैं, तो हमारा एक प्रूव है, स्टेट एंड प्रूव रिमाइंडर थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट का मतलब है उसे बयान करना, यानी आपने उसकी स्टेटमेंट बयान करनी है कि वो थ्योरम है क्या, फिर उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट उसकी ये है, व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो है ये एज ए फंक्शन फॉर्म में हम जाहिर करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी कहा था कि ये आप सेकंड ईयर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स, और उसमें क्या ऑफ डिग्री एन, उसकी डिग्री एन है विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी मिनिमम वैल्यू उसकी जो डिग्री है वो 1 है, और एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यानी इस फंक्शन को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए पर, अंटिल उस वक्त तक डिवाइड करते रहते हैं एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, जब तक एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आ जाए। जिस तरह भी मैंने एक एग्जाम्पल ली थी कि 49 को हम 4 पर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम दो टू टाइम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में हमारे पास एक रिमाइंडर 1 आता है, तो क्या था यही कॉन्स्टेंट रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड, हासिल हो जाए, देन दिस रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, वो रिमाइंडर जो है वो एफ ऑफ ए कहलाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि वो रिमाइंडर प्रूव करते हैं क्या हमारा रिमाइंडर एफ ऑफ ए होता है, ये हमने प्रूफ करना है। ये देन से आगे जो है ये जो कुछ होता है ये आपने प्रूफ करना होता है, और देन से पहले जो होता है वो गिवन होता है। जैसा कि आपने मैट्रिक के थ्योरम्स में भी, 9th के थ्योरम्स में भी पढ़ा है, तो आपको टीचर ने ये पढ़ाया होगा, स्टेटमेंट में मैक्सिमम स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि देन से पहले जो है वो गिवन होता है, और देन के बाद जो चीज होती है वो आपने प्रूफ करना है। यानी ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है ये मुझे प्रूफ करना है कि रिमाइंडर जो है वो एफ ऑफ ए है, यानी आर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, हमने प्रूफ में ये लिखा कि लेट क्यू ऑफ एक्स इस क्वेश्चन, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, एंड आर इज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, और आर क्या है, रिमाइंडर है। पीछे जो मैंने इक्वेशन लिखी थी आप उसमें देखें कि मैंने क्या चीज लिखी थी कि डिविडेंड था, डिविडेंड में क्या था, डिवाइजर था, क्वेश्चन था और प्लस रिमाइंडर था, तो ये वही बात आ रही है। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको डिवाइड किया है एक्स माइनस ए बाय डिवीजन। अब जब डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज होगी, एक तरफ क्या चीज आएगी, डिविडेंड आएगी, डिविडेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये मैंने देखें वही लिख दिया, वो जो मैंने वहां
पैटर्न बनाया था 49 की एग्जाम्पल लेकर। इसके बाद क्या था? डिवाइजर। डिवाइजर इसमें किस पे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स माइनस ई आ गया डिवाइजर। जितने टाइम डिवाइड होगा वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है ये? और उसके बाद आगे प्लस क्या आया? रिमाइंडर आ गया। उस फार्मूले के तहत यही फॉर्म बन गई। ये फॉर्म वही है जो मैंने पीछे एग्जाम्पल जर्नल फार्मूला भी लिखा था, फिर आपको एग्जाम्पल लेके उसमें वैल्यू 49 को मैंने फिक्स की थी, उसी के तहत जो स्टेटमेंट वो कह रहा है उसके तहत मैंने ये फॉर्म बना दी। अब इसके बाद आगे आ गया, सिंस इक्वेशन वाज इज आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी है, ये हमेशा आइडेंटिटी वो चीज है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज, उन तमाम वैल्यूज के लिए ऑफ एक्स, हर एक्स की हर वैल्यू के लिए यह प्रूव होती है। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, तो फिर ये किसके लिए ट्रू होगी? x इज इक्वल टू a के लिए। जब सबके लिए ट्रू है तो हम x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैं a के लिए चेक करना चाहता हूं। अब जब a के लिए मैंने चेक किया तो मैंने क्या कर दिया? x की जगह a पुट कर दिया। जहां जहां फंक्शन में x था वहां a पुट कर दिए। ये a आ गया, a माइनस a q ऑफ a प्लस r f ऑफ a माइनस a जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग, ये सारा पार्ट जीरो हो गया। जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो फिर क्या रह गया? आर आ गया। तो देखें यही था ना क्वेश्चन, प्रूफ क्या करना? देन दिस रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, देखें ये रिमाइंडर आया और रिमाइंडर किसके इक्वल आया? एफ ऑफ ए। तो यही हमने प्रूफ करना था। इससे रिजल्ट क्या निकला? एक रिजल्ट, व्हेन अ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स, यानी रिजल्ट ये हो गया आइंदा के लिए, हमेशा के लिए ये बात याद रखें, व्हेन अ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, यानी जब भी किसी पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए पर, then remainder is f of a, उसका remainder क्या आएगा? f of a आएगा। value of polynomial at a,